जो इमारत मेरे पीछे बनी है ये 82,000 सैनिकों की कुर्बानी की निशानी है। यह है दिल्ली शहर में बना इंडिया गेट, जो बेहद खूबसूरत दिख रहा है। अचानक से फैमिली के साथ यहाँ आने का प्लान बन गया था तो मैं आ गया। अब सबसे पहले मैं आपको इंडिया गेट दिखाता हूँ, देन उसके बाद जो कुछ फैमिली के साथ इन्जॉय करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको पास जाके ही आपको दिखाता हूँ अच्छे से। इसको पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, इसके बाद इसका नाम इंडिया गेट रख दिया गया था। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, और जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था उसमें तकरीबन 82,000 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उन जवानों की याद में, उनकी कुर्बानी की याद में ये इमारत बनाई गई थी। इंडिया गेट के पास ही दिल्ली की कुछ मशहूर जगहों में से एक है कनॉट प्लेस, जो कि इंग्लैंड के एक शाही खानदान में एक सदस्य थे जिनका नाम था सर ड्यूक ऑफ कनॉट। उनके नाम पर यहाँ पर कनॉट पैलेस है, और उन्होंने ही इंडिया गेट की जो पहली ईंट थी वो रखी थी। उसके बाद जो उस ज़माने के वाइसरॉय थे इंडिया गेट का, उन्होंने उद्घाटन किया था 12 फरवरी 1931 में। वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड इरविन। का जो मेन डिज़ाइन है ना, ये गेट की तरह दिख रहा है। ये फ्रांस के पेरिस में बना एक ऑक द ट्रायम्फ के नाम से एक टावर है, उस गेट पे, वो भी एक तरीके से गेट ही है। उस गेट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होके इसका जो डिज़ाइन बनाया था। ऊंचाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 9.1 मीटर जो इसकी चौड़ाई है, और सैंडस्टोन और ग्रेनाइट से इसको बना रखा है। वो जो शहीद थे उनकी एक तरीके से मेमोरियल के तौर पर इसको बनाया गया था। ये पूरा इंडिया गेट है। एक बार मैं इसकी दीवार पे दिखाता हूँ किस तरीके से जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं। देखिए एक बार, 82,000 सोल्जर्स जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी, उन सबके नाम यहाँ पर आज भी लिखे हुए हैं। पूरा इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हैं। देखिए इस तरफ भी मैं दिखाता हूँ एक बार, देखिए इस तरफ भी, देखिए पूरे इंडिया गेट की दीवारों पर किस तरीके से नाम लिखे हुए हैं। ये इंडिया गेट से तकरीबन 150 मीटर दूर एक कैनोपी है, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये भी कैनोपी एक छतरी जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं। कैनोपी जो थी ये बनाई गई थी, इसके नीचे जॉर्ज फिफ्थ थे उनकी मूर्ति रखी गई थी। उस समय जो इंडिया के जो रूलर हुआ करते थे, जो उनका नाम था जॉर्ज फिफ्थ, उनकी यहाँ पर एक मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक वक्त गुजर गया, उसके बाद उनकी मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने आज़ादी के बाद इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ करी थी कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की मूर्ति नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जब मूर्ति हटाई गई तो ये जगह खाली हो गई थी, और जो मूर्ति थी वो यहाँ पर ही एक पार्क है वहाँ पर रख दी गई थी। उस पार्क का नाम है कोरोनेशन पार्क। वहाँ पर और भी मूर्ति है, कभी वहाँ जाना हुआ तो मैं आपको दिखाऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसके बाद यहाँ पर जो, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर रख दी गई थी अभी कुछ वक्त पहले, जब से यहाँ पर ये वाली मूर्ति, जब ये खाली थी ना तब इसको माना जाता था अंग्रेज़ों के जाने का प्रतीक। वापस मैं एक बार पास से आपको दिखाता हूँ। इंडिया गेट में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, शुक्रिया। ऐसी वीडियोस मैं और भी डालता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो मच।